हेलो गाइस, टेक्नोफाज में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनपैकिंग करेंगे कोटक 8110 बैलेंस अकाउंट की वेलकम किट, जिसमें आपको एक चेकबुक मिल जाती है और साथ ही साथ एक जो है कोटक 811 का डेबिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन यहां पर जो हम डेबिट कार्ड के बारे में अगर बात करें, जो कोटक 811 का डेबिट कार्ड होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है जो इनका नॉर्मली डेबिट कार्ड होता है। लेकिन यहां पर जो मैंने अप्लाई किया है वो माई इमेज डेबिट कार्ड अप्लाई किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे जो इनका कोटक 811 का नॉर्मली डेबिट कार्ड होता है और जो इनका माई इमेज डेबिट कार्ड होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास कोटक 8110 बैलेंस अकाउंट की वेलकम किट, जिसमें आपको एक चेकबुक मिल जाती है और एक जो है आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है कोटक 811 का। कोटक 811 का आपने नॉर्मली तो डेबिट कार्ड देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इसका माई इमेज डेबिट कार्ड देखने में कैसा होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है या जो है इसमें क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो चलिए हम अनपैकिंग करते हैं, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेबिट कार्ड और चेकबुक साथ में आई, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कुछ इसकी कन्वीनियंस बैंकिंग गाइड। ये यहाँ पर इनकी कुछ बैंकिंग गाइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये इसका जो है, ये इसका डेबिट कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पर इनकी चेकबुक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये 25 पेज की जो है चेकबुक मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका कोटक 811 की जो चेकबुक होती है वहाँ पर लिखा भी होता है कोटक 811 फुल केवाईसी के बाद ही आपको चेकबुक मिलती है। यहाँ पर काफ़ी लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब चेकबुक अलग आती है, डेबिट कार्ड अलग आता है, मेरा लेकिन दोनों साथ में आया। तो यहाँ पर होता है कि अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन किया, आपने जो है डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई किया, उसके बाद अगर आप इंस्टेंटली जो है अगर आप चेकबुक भी अप्लाई कर देते हैं तो आपका दोनों चीज़ें साथ में आती हैं। अगर आप अलग अलग करते हैं, मान लीजिए आपने चेकबुक अभी अप्लाई कर दी और 5-6 दिन के बाद आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर उस केस में ऐसा होता है कि आपके पास जो डिलीवरी भी होगी तो एक साथ नहीं होगी, अलग अलग पर्सन आएगा आपके पास लेकर। तो हम इसको अब अनपैकिंग करते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो इनका माई इमेज डेबिट कार्ड है, ये देखने में कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो चलिए हम इसको भी अनपैकिंग करते हैं। ये साथ में आपको डेबिट कार्ड की भी एक मैनुअल गाइड मिल जाती है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक में ATM और POS मशीन पर यहाँ पर आपको जो है क्लिक लगे हुए मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन वगैरह पेमेंट या कॉन्टेक्ट लेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर X का निशान है, मतलब ये अभी डिसेबल है, और आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी सारे डिसेबल हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप जो है सिर्फ ATM पे यूज़ कर सकते हैं या POS मशीन पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो है आपकी जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से सभी बैंकों में ये सर्विस लागू कर दी गई थी कि जो है आपके जो ई कॉमर्स वेबसाइट, आपका कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट होता है वो जो है यहाँ पर अब डिसेबल करके दिया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग के जरिए से इसको एनेबल भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अब आपको सभी डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, वहाँ पर आपको सभी में जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सारे आपको डिसेबल करके दिए जाते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इनकी मोबाइल बैंकिंग के जरिए से आप आराम से एनेबल भी कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इनका डेबिट कार्ड कैसा देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है माई इमेज डेबिट कार्ड, कुछ इस तरह से ये देखने को मिल जाता है आपको। इसमें ये होता है कि जैसे कोटक 811 का जो नॉर्मली डेबिट कार्ड होता है वो आपको रेड कलर का कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप माई इमेज डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो है अपनी इमेज वगैरह इसमें जो है प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ताजमहल की जो है इमेज प्रिंट करवाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पर जो भी इंडिया में जैसे पॉपुलर सिटीज़ वगैरह होती हैं या जो है कुछ पॉपुलर जो है क्लॉक टावर वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो पॉपुलर होती हैं, या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के प्लेयर भी होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, उनकी भी आप इमेज जो है अपने मतलब डेबिट कार्ड पे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो डेडिकेटेड बना देंगे कैसे आपको जो है माई इमेज डेबिट कार्ड अप्लाई करना है और इसमें क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं। देखिए, फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको नॉर्मली फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको जो है कोटक 811 के नॉर्मली डेबिट कार्ड में आपको जो फीचर्स मिलते हैं सारे फीचर्स आपको उसी तरह से इसमें भी मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, बस इसमें सिर्फ ये है कि ये माई इमेज डेबिट कार्ड है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो है अपनी इमेज इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। कोई भी मतलब अपने इंडिया में जो भी सिटीज हैं पॉपुलर स्पोर्ट्स में, जो भी जो है पॉपुलर प्लेयर्स हैं उनकी जो है आप इमेज जो है प्रिंट करवा सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी फीस वगैरह की, जो इसकी फीस लगती है वो आपकी जो नॉर्मली डेबिट कार्ड की होती है उसमें आपकी लगती है 234 रुपये, तो यहाँ पर आपके डबल जो है प्राइस लग जाते हैं। 234 रुपये आपको लग जाएंगे इसकी एनुअल फीस, उसके बाद जो है 234 रुपये आपके लग जाएंगे इसके प्रिंट करवाने के, तो मतलब टोटल आपके हो गए 468 या 470 आप मान के चलिए। तो आपके इस तरह से कुछ इसमें
चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली डेबिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपके सिर्फ जो है एनुअली फीस कटती है आपके 234 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपके एनुअली फीस कटेगी 234 रुपये, उसके अलावा जो है 234 रुपये आपके सिर्फ प्रिंट करवाने के जो है यहाँ पर आपके अकाउंट से डेबिट होंगे। तो टोटल आपके 468 या 470 आपके जो है अकाउंट से डेबिट हो सकते हैं। नॉर्मली डेबिट कार्ड में क्या होता है कि जो आपके कार्ड के जो नंबर होते हैं और जो एक्सपायरी डेट होती है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर माय इमेज डेबिट कार्ड में आपको जो है बैक साइड पे आपको जो है सारी डिटेल मिल जाएगी, आपके जो है कार्ड का नंबर वगैरह, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, ये आपको बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर लिमिट वगैरह आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसको लेकर भी कन्फ्यूज होते हैं कि जो है मैंने कार्ड मंगवाया था और उसमें जो है लिखा हुआ था डेली ATM विड्रॉवल लिमिट 25,000, तो ऐसा नहीं होता है। इस पर लिखा होता है 25,000, लेकिन आप महीने में सिर्फ 10,000 रुपये निकाल सकते हैं ATM से। अगर आप इससे ज़्यादा निकालते हैं तो आपके चार्जेस लगेंगे, तो इस चीज़ को आप मत देखिए। हाँ, परचेज लिमिट आपकी डेली जो है 1,00,000 है, लेकिन यहाँ पर ATM से विड्रॉवल लिमिट जो आपकी 25,000 नहीं है, सिर्फ 10,000 है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजिंग होती है तो आप कस्टमर केयर को भी कॉल करके वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।